रेवाड़ी में चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाश ने बाप और बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। उसने दोनों पर कई वार किए जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी बदमाश ने खुद की गर्दन पर ही चाकू मार लिया। इससे उसकी भी हालत गंभीर बन गई। तीनों घायलों को रेवाड़ी ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, फिर वहां से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। कौसली डीएसपी जयसिंह ने बताया कि रात में उन्हें सुदेश नाम की महिला ने सूचना दी थी कि एक युवक घर में घुसा हुआ है, उसने पति और बेटी को चाकू मार दिया। तब पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल घायलों के बयान दर्ज करना बाकी है, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि भाई सुदेश वाइफ ऑफ फतेह सिंह, जो कि हसावास गांव के रहने वाले हैं, और इनके घर में घुस करके एक साहिल नाम के लड़के ने ग्रिल तोड़ करके घर के अंदर घुस गया है। और उसके ये फतेह सिंह और उसकी बेटी पर उसने जानलेवा हमला किया है। और अभी वो गुड़गांवा किसी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, और जैसे ही वो अपना बयान देंगे या मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, उस आधार पर कार्रवाई कर दी जाएगी।